हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया ही रहना। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी निकल चुके हैं टिपूदाना होलहुंडू के लिए। और अभी मौसम देख सकते हो काफ़ी लाजवाब की है, बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी कर रही है। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं, देखते हैं बारिश ना पड़े रास्ता में, फिर भी चलते हैं। अब मौसम काफ़ी मस्त किया है और काफ़ी जाने में मज़ा आएगा। इससे पहले खतरनाक टाइप से धूप कर रहा था, ऐसे लग रहा था कैसे जाएंगे इतना धूप में, लेकिन अभी पूरा मस्त टाइप से मौसम किया है तो अभी जाने में काफ़ी मज़ा आएगा भाई। अभी तो एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही, तो काफ़ी बढ़िया। तब लोगों को कोकर से टिपूदाना होलहुंडू तक का सफ़र का रूबरू करवाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला भाई। तो अभी सीधे हम लोग बाहर बाहर होकर जाएंगे, रांची के अंदर अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज सब बंद है, इसलिए थोड़ा सा लगेगा समय। तो बाहर बाहर होकर निकल जाते हैं हम लोग, तब बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो वह जब पहुँचे समलोंग हम लोग, तो इधर से अभी जाएंगे रिंग रोड होते हुए नामकुम सदाबहार चौक होते हुए 89 ग्राउंड होते हुए रिंग रोड पकड़ना है। और अभी पूरा पानी आ रहा है इधर, कोकर में उतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा था, इधर पूरा पानी पानी भाई। आज बहुत मज़ा आने वाला है, पानी पानी है सफ़र करने में, पानी पानी है ब्लॉगिंग करने में, कुछ अलग ही मज़ा आएगा। अभी हम लोग निकल पड़े हैं मंजिल की तरफ। अब यहाँ से 15-20 किलोमीटर होगा, मान के चलो आधा घंटा एक घंटा, धीरे धीरे जाना है अपन लोग को, ज़्यादा रफ्तार में भी नहीं जाना है, एकदम चिल्ड मारते हुए जाएंगे भाई, तो मज़ा आएगा। रफ्तार में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नज़ारा को एंजॉय लेते हुए जाना है, तब तो ना मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे में कहाँ मज़ा आएगा। तो कोई मज़ा वाली बात ही नहीं है ऐसे में, तो एकदम सट के पहुँचे सट के वहाँ। ऐसे में क्या ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि नज़ारे का एंजॉय करते जाओ और बक बक करते रहो कैमरा के पीछे, तभी तो भाई मज़ा आएगा। अभी पहुँचे हैं लोहाड़ी, समलोंग लोहाड़ी सब सटा हुआ है, उसके बाद ओवरब्रिज, फिर नामकुम चौक, फिर सारा बाहर, फिर उधर खरसीदा होकर उधर रिंग रोड पकड़ लेंगे। तो इतना दूर अभी सफ़र करना है, उसके रिंग रोड पकड़ के सीधे रिंग रोड में चलना है अपन लोग को। ज़्यादा पानी आएगा तो ब्लॉगिंग नहीं होगा, क्योंकि कैमरा में पानी चला जाएगा तो बंद करना पड़ेगा मुझे। तो अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा पानी नहीं है, एकदम धीमे धीमे आ रहे, बूंदा बूंदी कर रहे हैं, इसलिए अभी बढ़िया लग रहा है। और इधर बहुत ज़्यादा पानी है, समझ रहे पानी आया है ना अभी। अभी ज़्यादा लीन उन भी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है भाई, पूरा रोड गीला है, तो चक्का स्पीड खाने का भी पूरा पूरा चांस है और डर भी है, कहीं गिर ना जाए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी आराम से चलना है। ज़्यादा लीन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है अपन लोग को, एकदम धीमा गति में चलना है, 40 की स्पीड में ही जाते रहना है। और पूरा मौसम पूरा बूंदा बूंदी कर रहा है, पूरा ठंडा ठंडा हवा, क्या ही मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही मज़ा, क्या ही मज़ा। हाँ ठीक है, तो ये है, ये कौन सा चौक बोलते हैं भाई इसको, ये कौन सा चौक है, लवाड़ी चौक तो पीछे था, इसको कोई दूसरा चौक बोलते हैं, लवाड़ी गोल चक्कर। और सामने का व्यू देखो भाई, सामने का नज़ारा देखो, पूरा बादल छाया हुआ है, पानी बूंदा बूंदी पड़ रहा है, चलो लगता है कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। और इधर ज़्यादा ही पानी आ रहा है यार, इधर ज़्यादा ही पानी आ रहा है, देखते हैं आगे जाते जाते। बोला है कि जहाँ तहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, मौसम विभाग वेदर रिपोर्ट के अनुसार, तो चलते रहो आगे चलते रहो। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नामकुम ओवर ब्रिज, और इधर मोटा मोटा पानी दे रहा है भाई, नहीं सकाएगा, पूरा पानी पूरा पानी पूरा पानी, यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा। चलो ये लोग गिरा देगा यार, गिराते गिराते बचा दिया, और पूरा पानी जोरों से पानी आ रहा है, देख सकते हो भाई यहाँ पे। चलो फिर कैमरा ऑन करते हैं अभी। तो भाई यहाँ पे रुके हुए तो पानी पूरा आ रहा है, फिर भी और पानी आ रहा है, तो अभी निकलते हैं, थोड़ा अभी काम हुआ है पानी, तो यहाँ पे रुके थे, ढब्बा है छोटा सा ओवर ब्रिज के सामने में, तो अभी से यहाँ फिर निकल रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी कर रहे हैं, फिर काम हो गया अभी, तो अभी निकलते हैं, फिर पानी आएगा, फिर बादल पूरा काला करके रखा है, तो जल्दी से जाके आना है आप उन लोग को, लेकिन पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे समय से, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है बार बार, इसके वजह से भाई
अभी बूंदा बूंदी कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा काम हो गया। मौसम रांची का कुछ ऐसे है भाई, देख सकते हो पूरा चेंज कर दिया है। अभी तो पूरा मौसम ही ठंडा हो गया, अभी तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया है, अब ठंडा का एहसास हो रहा है अभी तो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यह है ओवरब्रिज नामकुम का, यहाँ से अभी नामकुम चौक सादा बाहर फिर खरसीदाग होते हुए हम लोग निकल जाएंगे रिंग रोड के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा घूमना पड़ता है, अंदर अंदर जाते तो टाइम भी वही लगता है, क्योंकि अभी जाम सब रहता है, अभी पानी आता है तो ज़्यादा जाम होने लगता है। इसके वजह से हम लोग सोचे कि बाहर बाहर निकल लेते हैं, बेटर रहेगा, एकदम खुला खुला चलेंगे। और पानी भींगा देगा यार गाड़ी में, पूरा भींगा देगा पानी, इतना ज़्यादा आ रहा है पानी, पूरा भींगा दिया रे, पूरा भींगा दिया, हाँ लाड़ो पूरा पानी दिया यार रे। भारी पानी इधर, भारी पानी लावा। तो वही अभी रिंग रोड पहुंचे हैं, दो तीन जगह रुकने के बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रहा है, अभी काम होता है फिर निकलते हैं, काम होता है फिर निकलते हैं। तो फाइनली अभी रिंग रोड पहुंचे हैं जथा कथा हम लोग, यहाँ से और जाना भी टुकुदाना की तरफ, तो अभी यहाँ से टाइम लगेगा। ऐसे ही अभी तो पूरा बारिश बारिश में कुछ काम ही नहीं हो रहा भाई, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, क्या कहना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग रिंग रोड में पधार चुके हैं, तो वह अभी फाइनली रिंग रोड में, और बादल देख सकते हैं पूरा काला बादल छाया हुआ, पूरा बारिश का मौसम आ गया है और पूरा ठंडा ठंडा पूरा भींग है अभी। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे काम हो जाएगा, जाना और आना है हम लोग बस, वही जाने के लिए जब जब निकल रहे हैं रुक के उससे ही पानी स्टार्ट हो जाता है, फिर रुकते हैं फिर पानी कम होता है, निकलते हैं फिर थोड़ा देर जाते हैं फिर पानी आता है, तो ऐसे ऐसे होते होते हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो लगता है अभी पहुँच जाएंगे, ऐसे थोड़ा देर कम 15 मिनट ऐसे ही रहेगा ना, तो आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। अगर पानी आता है तो ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरा में पानी चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, हम लोग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठंडा सा पूरा हिलवा रहा है भाई साहब, भारी मात्रा में ठंडा है, भारी मात्रा में ठंडा, और मौसम का गजब कर दिया, बरसात का मौसम बना दिया है, बरसात का मौसम कर दिया भाई साहब, देख सकते हो इधर का मौसम का हाल रांची। अंदर अंदर जाने से बढ़िया था, बचते बचते जाते, बाहर बाहर जा रहे हैं अभी, पानी आएगा तो दूर दूर तक यहाँ पर घर द्वार नहीं है भाई, है लेकिन बस अंदर अंदर में बचने के लिए सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग टुकुदाना पहुंच गए हैं, तो इस साइड में टुकुदाना चौक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे जाना है, तो पूरा टुकुदाना के अंदर के अंदर में एरिया में है, तो सतरंजी के बाजार के पीछे जाना है हम लोग को, तो अभी पहुंचना है। और पानी फिर से आ रहा है, फिर से अभी पहुँच के ही काम लेंगे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है बूंदा बूंदी, बहुत ज़्यादा भींगा दिया भाई साहब, तो पूरा ही पूरा ठंडा लग गया, ऐसे लग रहा है कि कपड़ ढका के सो जाने मन कर रहा है। पहुंच ही गए इसी के नीचे हम लोग को जाना है बस। तो भाई साहब पानी इतना ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी है, हो हो हो।
भाई जिस तरह से हम लोग पहुँच गए अपना डेस्टिनेशन, तो यहीं तक हम लोग आना था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल में अभी तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह का ब्लॉग मिलते रहे। हाँ तो चलिए मिलते हैं अगला व्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। भाई तो पहुंच गए इस तरह से हम लोग का, हम देखते हैं कौन कौन लोग है कि कोई है कि नहीं है, पता नहीं। सब तो बांधा छंदा दिख रहे हैं, उधर से देखते हैं नहीं है जैसे लगता है। ओ हो कोई नहीं है इसे, तो यहाँ से घर बन रहे लोग का। इधर का प्लॉट है हम लोग का, इधर वाला है, इधर वाला दूसरे वाला बना रहा है। सर घेरा भी हटा दिया, घेरा का भी हटा दिया इसका, कुछ ऐसे है।